परम सत्कार योग गुरु रूप गुरु प्यारी गुरु खालसा साध संगत जी आओ सब तो पहला शहीद पिता दे पुत्र शहीद पुत्रां दे पिता सरबंस दानी साहिबे कमाल धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जीआं वलों बख्शिश कीती होई फतेह बुलाईए कोई भी रसना वांझी ना रहे सारी संगत गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी ने अपार रहमत कीती है अपार बख्शिश कीती है जो कि सानू कलयुग दे भयानक समय अंदर सतसंगत करन दा सुभागा समा बख्शिश कीता है। सो जिवें कि सानू पता ही है अज सतगुरु जिया की अपार रहमत सदका सतगुरु जिया की अपार बख्शिश सदका अज संगरान दा पावन पवित्र दिहाड़ा है। सो गुरमुखो अज धन गुरु अर्जन देव महाराज बारह माह माझ राग विच जो सतगुरु जिया की बाणी है उस विच सानू मगर दे महीने द्वारा की उपदेश दे रहे ने आओ सरवण करिए। मंगर माहे सोहंदिया हर पिर संग बैठड़िया हा। अज सतगुरु जी की कृपा सदका मंगर दे महीने की आरंभता हो रही है। महाराज कहंदे भाई मंगर माहे सोहंदिया मगर दे महीने विच ओ जीव रूपी इस्त्रियां सोहणियां लगदियां हन केड़ियां हर पिर संग बैठड़ियां जिहड़ियां अपने परमात्मा पति दे संग बैठदियां हन भाव कोल बैठदियां हन। आपां परिवार दे कोल बैठदे हां पुत्र धीआं दे कोल बैठदे हां रिश्तेदारां दे कोल बैठदे हां जिन्हां दे नाल काम कार करदे हां उन्हां दे कोल बैठदे हां। किते अपने मन विच विचार करके देखो भी असीं किते परमात्मा वाहिगुरु जी दे भी कोल बैठे हां किते असीं अपने सतगुरु जी दे कोल सच्चे दिलों बैठे हां किते सतगुरु जी दी बाणी नूं मन्निआ असीं कि कल्ला पढ़न तक ही सीमित रह गए। अपने मन विच जरूर विचार के देखिए महाराज ने किते नहीं आखिया पुत्र धीआं कोल बैठा तू सोहना लगेगा रिश्तेदारां कोल बैठा तू सोहना लगेगा। महाराज कहिंदे सेई सुंदर सोहणे साध संग जिन बहणे। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीआं नूं किहड़े सोहणे लगदे हन सतगुरु जी नूं ओही सोहणे लगदे है जेड़े सत संगत विच आ के उस परमात्मा वाहिगुरु जी दी सिफत सलाह करदे हन उस परमात्मा वाहिगुरु जी दे गुण गाउंदे हन। अज मगर दे महीने द्वारा भी सतगुरु जी यही कृपा करदे समझा रहे हन वे भाई मंगर माहे सोहंदियां हर पिर संग बैठड़ियां मगर दे महीने विच उही जीव रूपी इस्त्रियां सोहणियां लगदियां हन जेड़ियां हरिपति दे नाल बैठदियां हन। तिन की शोभा क्या गणी जे साहिब मेलड़ियां हा। पहले नंबर ते काम है साडा असीं परमात्मा दे कोल बहना है भाव असीं धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीआं दे कोल बह के बाणी पढ़नी है बाणी दे मुताबक अपने जीवन नूं ढालना है सतगुरु जी दी सेवा करनी है। दूसरे नंबर ते महाराज कहिंदे तिन की शोभा क्या गणी जे साहिब मेलड़ियां। महाराज कहिंदे भाई उन्हां दी शोभा बयान नहीं कीती जा सकदी उन्हां दी शोभा कही नहीं जा सकदी किन्हां दी जे साहिब मेलड़ियां जिन्हां नूं मेरे साहिब ने मेरे मालक प्रभु ने अपने नाल बिठा लिया भाव जेड़े मेरे परमात्मा दे मन नूं भा गए उन्हां दी शोभा फिर कही नहीं जा सकदी। भगत कबीर साहिब वर्गे मेरे परमात्मा दे मन नूं पाए है उन्हां दी शोभा कौन कर सकदा उन्हां दी शोभा लिखी नहीं जा सकदी उन्हां दी शोभा बयान नहीं कीती जा सकदी। तां ही धन गुरु नानक देव महाराज जीआं ने जपजी साहिब दी बाणी विच कह दिता मन्ने की गत कही ना जाए जे को कहे
पिछे पछताए जिन्हां ने बाणी नूं मन लिया जेड़े बाणी दे मुताबक चल गए उन्हां दी गति कही नहीं जा सकती उन्हां दे जीवन नूं बयान नहीं किया जा सकता क्योंकि परमात्मा बेअंत है जेड़े परमात्मा विच अभेद हो गए वह भी बेअंत हो जाते हैं भगत रविदास महाराज परमात्मा विच अभेद हो गए भगत नामदेव जी परमात्मा विच अभेद हो गए भट्ट साहबान परमात्मा विच अभेद हो गए भाई मरदाना जी परमात्मा विच अभेद हो गए उन्हां दी गति कही नहीं जा सकती उन्हां दी सोभा बयान नहीं कीती जा सकती महाराज कहिंदे तिन की सोभा क्या गणी जे साहिब मेलड़ियां जिन्हां नूं मेरे साहिब ने अपने विच मिला लिया अपने नाल मेल लिया उन्हां दी सोभा कही नहीं जा सकती की कहांगे मन तन मोलिया राम सिओं संग साध सहेलड़ियां धन गुरु अर्जन देव महाराज कहिंदे जिन्हां नूं परमात्मा ने अपने नाल मिला लिया मन तन मोलिया राम सिओं परमात्मा दे नाल मिल के उन्हां दा मन भी हरिया हो गया जिवें कमल दा फुल खिड़िया हुंदा गुरमुखां दा मन इउं खिड़ जांदा है ते तन तन विच्चों सारे रोग दूर हो जांदे हन किना दे जिन्हां नूं मेरे मालक ने अपने नाल मिला लिया मन तन मोलिया राम सिओं संग साध सहेलड़ियां सत संगी सहेलियां दी संगत विच परमात्मा नाल चित जोड़ के उन्हां दा शरीर उन्हां दा मन सदा ही खिड़िया रहिंदा बाणी पढ़दे हां ना नानक भगतां सदा विगास सुनिया दुख पाप का नास सुनन दे नाल वाहिगुरु जी दे बचना नूं कन्ना दे नाल सुनन नाल महाराज कहिंदे भगतां दा मन विगास विच आ जांदा भाव खेड़े विच आ जांदा है साध जना ते बाहरी से रहन अकेलड़ियां साध जना ते बाहरी रब नाल जुड़े हुए संतां तों बाहर जेड़े उन्हां दे बचना ते नहीं चलदे जां इउं कह लो जेड़े गुरु जी दी संगत विच नहीं आउंदे भाव जेड़े गुरु दे बचना ते नहीं चलदे महाराज कहिंदे उह अकल्ले ही रह जांदे है उन्हां दा कोई संगी साथी नहीं बणदा क्योंकि असल साथी तां परमात्मा वाहिगुरु जी दा नाम ही है असल साथी तां साढ़े सतगुरु जी ही हन जिन्हां ने अगे भी साड़ी सहायता करनी है ते ए संसार ते भी साड़ी सहायता करनी है पर जेड़े गुरु दे बचना ते नहीं चलदे वो अगे भी जाके दुखी हुंदे है इत्थे तां दुखी होना ही होना है आप जी इतिहास विच पढ़दे हो धन गुरु अंगद देव महाराज जीआं दे इतिहास विच एक घटना आउंदी है गुरमुखो मलूका चौधरी होया इनू मिर्गी का दौरा पिया करता सी बड़िया को इलाज करवाया पर मिर्गी ना हटे बड़िया को गया बड़िया दवाइया खा के देख लिया अज इनू एक गुरमुख प्यारा मिलया कहन लगा ए मलूके चौधरी तू बड़िया को दवाइया खा के देख लिया बड़े बाबिया को जाके देख लिया बड़िया को इलाज करवा के देख लिया तू मेरे कहन ते एक बार खंडूर साहब धन गुरु अंगद देव महाराज जी को जाके तो देख तू खंडूर साहब रह रहा है तू एक बार मेरे पातशाह धन गुरु नानक देव महाराज दूजे गुरु नानक धन गुरु अंगद देव महाराज जिया दे पास जाके वेख तेरे सारे रोग महाराज दूर कर देंगे कहिंदे ए मलूका चौधरी धन गुरु अंगद देव महाराज जिया दे चरणा विच गया जाके भावना दे नाल नमस्कार कीती शरदा दे नाल कहन लगा ए सतगुरु मैं बड़े दरां ते जाके आया अज थे दर ते निमाणा होके आया ये दर धन गुरु नानक देव महाराज का एहो जिहा जे इत्थे निम्रता दे नाल आओगे ना जी इत्थों झोलियां भर के लैके जाओगे पर जे आकड़ दे नाल आओगे तो महाराज ने इत्थों कुछ नहीं देना थानू धन गुरु नानक देव महाराज के घर जदों भी आओ तो भावना दे नाल निम्रता दे नाल शरदा दे नाल आओ इत्थों थानू हर एक दात मिलेगी हर एक सुख मिलेगा
ਇਹ ਮਲੂਕੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਮਿਰਗੀ ਹਟ ਜਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੌਧਰੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੇਰੀ ਮਿਰਗੀ ਹਟ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਮਿਰਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਘਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਣੀ ਪਏਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ, ਸੱਤ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਘਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਮਲੂਕੇ ਚੌਧਰੀ, ਅੱਜ ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਚੱਲ ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਚੱਲ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ, ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕੇ ਚਕਾਏ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਤੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂਆ ਜਾ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡੀ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂਆ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡੀ। ਇੱਧਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਲੂਕਾ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂਆ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਿਰਗੀ ਛੱਡੀ। ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰੀ ਮਿਰਗੀ ਛੱਡੀ, ਇੱਧਰ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ, ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਧ ਜਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਘੇਰ ਲੈਣਗੇ। ਤਿੰਨ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕਬਹੂੰ ਉਤਰੈ, ਸੇ ਜਮ ਕੈ ਵਸ ਪੜੀਆਂ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੇ ਜਮ ਕੈ ਵਸ ਪੜੀਆਂ, ਆਖਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨੀ ਰਾਵਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਸੇ ਦਿਸਨ ਨਿਤ ਖੜੀਆਂ ਹਾਂ। ਜਿਨੀ ਰਾਵਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਾਵਿਆ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਸੇ ਦਿਸਨ ਨਿਤ ਖੜੀਆਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਰਤਨ ਜਵੇ ਹਰ ਲਾਲ ਹਰ ਕੰਠ ਤਿਨਾ ਜੜੀਆਂ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਉਂ ਜਾਣੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਰਤਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਵੇਹਰ ਦਾ ਹਾਰ, ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਠ ਭਾਵ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝੋ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਬੰਸ਼ ਹੈ ਧੂਰ ਤਿੰਨ, ਪ੍ਰਭ ਸਰਨੀ ਦਰ ਪੜੀਆਂ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਨਕ ਬੰਸ਼ ਹੈ ਧੂਰ ਤਿੰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੇ?
प्रभ दर सरणी दर पड़िया हाँ जो परमात्मा दे दर ते पए रहिंदे हन भाव जो हमेशा ही परमात्मा वाहिगुरु जी नूं अपने चेते विच रखदे हन काम कार करदे हर जगह उठदे बहिंदे हमेशा ही परमात्मा वाहिगुरु जी नूं याद रखदे हन कदे भी माड़े काम वल पैर नहीं पाउंदे महाराज कहिंदे मैनू भी उहनां दे चरणां दी किते धूड़ मिल जाए जेड़े हमेशा ही प्रभु दी शरण विच रहिंदे हन मंगर प्रभ आराधना बहुड़ना जनमड़िया मंगर प्रभ आराधना धन गुरु अर्जन देव महाराज कहिंदे मगर विच मेरिया मना परमात्मा दा सिमरन कर परमात्मा वाहिगुरु जी नूं याद करिया कर अकाल पुरख वाहिगुरु जी दा नाम सिमरन कर परमात्मा दा सिमरन करन करके देख किड्डी वड्डी बख्शिश तैनू मिलेगी बहुड़ ना जन्मड़िया हां मुड़ के तैनू जन्म मरण दा गेड़ नहीं व्यापेगा जन्म मरण दे गेड़ विच तैनू नहीं आउणा पएगा जे तू परमात्मा दा सिमरन करेगा आ दुनिया ते असी की करन वास्ते आए हैं तीन सवाल बहुत वड्डे आ की करन वास्ते आए हैं कर की रहे हैं ते करना की चाहिदा की करन वास्ते आए हैं जी पुत्र धीआं नूं पालन वास्ते आए हैं नहीं हर रोज रहराज साहब की बाणी विच आप जी पढ़ते हो सतगुरु जी साढ़े ते कृपा हर रोज करते हैं भई प्राप्त मानुख दियो हरिया गोविंद मिलन की ए तेरी वरिया आ मनुखा शरीर मिलिया कादे वास्ते परमात्मा वाहिगुरु जी नूं मिलन वास्ते संसार ते ए करन वास्ते आए हैं पर कर की रहे हैं महाराज कहिंदे दीन वसारियो रे दवाने दीन वसारियो रे पेट भरियो पशुआ ज्यो सोयो मानुख जन्म है हारियो अज दा मनुख खा पी रहा है रज के खांदा है रज के सौंदा रज के कमांदा है पर असल काम वास्ते जिहड़े आया उन्हूं भुलिया होया अपने मनुखा जीवन दी बाजी हार के चलिया जांदा नाम नहीं जपदा होर सारे काम करदा पर अवर काज तेरे किते नाकाम मिल साध संगत भज केवल नाम होर काम कर तेरे किसे लेखे नहीं पैणगे जे तू परमात्मा दा नाम नहीं जपदा पैसे दी हर एक नूं लोड़ है तुहानू भी लोड़ है ते मैनू भी लोड़ है पर असल विच जिहड़ा कारज असीं इह धरती ते करन वास्ते आए हां कदे उहदे बारे भी सोचना चाहीदा जिथे इन्ना कुछ सोचते हाँ उत्थे ये भी सोचा करो भी असी दिन विच की कीता की कुछ खटिया की गवाया है ताही महाराज की बाणी कहती बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माहे जे तू अपने दिल नूं खोजेगा फिर तेनू पछताउणा नहीं पएगा फिर तेनू पता लगेगा भी मैनू घाटा पै रहा जां मैं वाधे वल जा रहा मैं जिंदगी विच किन्ना क नाम जप रहा परमात्मा ने सानू नहीं भुलाया होया परमात्मा सानू किन्नियां दातां दिंदा खाण वास्ते भोजन भी दिंदा पहनण वास्ते कपड़े भी दिंदा आ सानू इन्ने कीमती साह दे रहा उन्हें सानू इन्ना कीमती शरीर दिता भुले तो असी होए हाँ असी परमात्मा नू भुलाया होया परमात्मा ने सानू नहीं भुलाया असी भी वाहिगुरु जी का शुक्र करिया करिए परमात्मा नू याद रखिया करिए परमात्मा दा सिमरन करिया करिए अज धन गुरु अर्जन देव महाराज मगर दे महीने द्वारा सानू यही उपदेश दे रहे हन महाराज कहिंदे मेरिया मना परमात्मा दा सिमरन करिया कर अकाल पुरख वाहिगुरु जी नू याद करिया कर तेरा जन्म मरण कटिया जाएगा सो गुरमुखो अरदास है धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे चरणा विच सतगुरु जी तुसी मगर दे महीने की बख्शिश कीती है ये शब्द सदा वास्ते साढ़े हिरदियां दे अंदर वस जाए असी भी बाणी दे मुताबक अपने जीवन नूं ढालिए महाराज जी कृपा करो साड़ी झोली विच नाम दी दात पा दिओ विसर नाही दा तार अपना नाम देहो गुण गावां दिन रात नानक चाओ एहो महाराज
ਇਹ ਮੱਗਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਚੜ੍ਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਇਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਇਓ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਪਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਿਓ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਜੀ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।